ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ खेती योग पंचायती जमीन दी वीडियोग्राफी राही बोली होएगी बोली दौरान दोषी पाए गए अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होएगी। नजायज कब्जियां नूं हटाउण दे लई सरकार हुण सरगर्म नजर आ रही है। पंचायती जमीना नूं लैके इह वड्डा फैसला पंजाब सरकार दा 5000 एकड़ पंचायती जमीना तों नजायज कब्जे हटाए जाणगे पहले पड़ा तहत 31 मई 2022 तक ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। इसे ते साडे नाल साडे सहयोगी कृष्ण जुड़ चुके ने। कृष्ण की पूरा मामला है, की इस ते होर जानकारी? बिल्कुल अमृता, यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कुलदीप सिंह धालीवाल वजीर ने वो पहला भी इस संबंधी कई बयान दे चुके हैं कि जेड़े नजायज कब्जे पंचायती जमीना ने उन्होंने हटाने का काम सरकार करेगी। ये आम आदमी पार्टी के लिए सब तो बड़ी चुनौती वाली गल सी, पर एक इतिहासिक फैसला इसको मनिया जा सकता है कि 5000 एकड़ पंचायती जमीन जिड़ी के सरकार की है आबादी के इलाका से उस तो नजायज कब्जे हटाने की प्रक्रिया 31 मई 2022 तो शुरू हो रही है। सब तो वड्डी गल यह है कि वीडियोग्राफी के राही खुली बोली इस जमीन की होगी। बोली दौरान किसी भी तरह के दोषी पाए गए अधिकारी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जी ताड़ना का हुक्म इस ट्वीट के जरिए दस के किया गया। पर अहम सवाल इत यह है कि नजायज कब्जे किन्हां ने किए थे, किहड़े वो लीडर से या किहड़े वो वड्डे सियासी सनारती जिन्हां ने पंजाब की पंचायती जमीन ते नजायज कब्जे की थी उसमें हटाने का काम आम आदमी पार्टी की सरकार कर रही है, जिहड़ा कि वड्डा इतिहासिक फैसला मनिया जा रहा है। बिल्कुल 31 मई 2022 तो यह तमाम तस्वीर असी वेखांगे नजायज कब्जे हटाने के लिए पूरी कार्रवाई वेढ़ी जाएगी। बहुत शुक्रिया कृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए।